हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसलेनियस स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मिसलेनियस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए वोकेबुलरी की एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम साइनोनिम, एंटोनिम तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, तथा उसके साथ उसके ऑप्शन में आए 15 अदर वर्ड के बारे में बताया है, जिससे आपका साइनोनिम, एंटोनिम और तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है वो मजबूत होता जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम, इंग्लिश का सेक्शन जो है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, उसमें ये तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं, साइनोनिम, एंटोनिम तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है दैट विच कैन बी इजली डैमेज्ड और हर्ट। तो पहला जो है वो है दैट विच कैन बी इजली डैमेज्ड और हर्ट, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिच, दूसरा जीलियस, तीसरा भलनेवल और चौथा वोज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, भलनेवल। तो भलनेवल इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है आघात योग्य। तो उसके बाद हम बात करते हैं तीन ऑप्शंस के बारे में। तो इसके जो तीन ऑप्शंस हैं रेच, जीलियस, उस, तो उसके हम मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेच का। तो रेच का मतलब जो होता है वो होता है अभागा। रेच का हिंदी मीनिंग जो होता है वो अभागा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीलियस का। तो जीलियस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो उत्साहित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओज का। तो ओज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दुख होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे इस फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, था उसके ऑप्शंस में आए तीन वर्ड। तो आप इन तीनों वर्ड को भी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे सेलेक्ट करके ही दिया है ऑप्शंस में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि जर्नी बाय वाटर और सी। तो वाटर और सी के थ्रू जो जर्नी होता है, यात्रा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है वेटरन, दूसरा ऑप्शन है वोयाज, तीसरा ऑप्शन है टर्स और चौथा ऑप्शन है टॉक्सिक। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वोयाज। वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वोयाज। उसके बाद हम बात करते हैं इनके ऑप्शंस में आए तीन अदर वर्ड के बारे में। तो पहला है वेटरन। तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। उसके बाद हम बात करते हैं टर्स का। तो टर्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होता है टर्स का हिंदी मीनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिक का। तो टॉक्सिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो जहरीला होता है, टॉक्सिक का हिंदी मीनिंग जहरीला होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट। तो जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्सटाइल, दूसरा है सेवर्टी, तीसरा है श्रॉड और चौथा है स्कैंट। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्सटाइल। तो सही आंसर ए हो जाएगा, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, जो बहुमुखी हो, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो उसे बहुमुखी कहा जाता है। उसके बाद अब चलते हैं हम इसके ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ऑप्शन है सेवेरिटी। तो सेवेरिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है तीव्रता, तीव्रता यानी जल्दी से उत्साहित। तो सेवेरिटी का मतलब तीव्रता होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो श्रॉड, तो श्रॉड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है छिपाना, हाइड। तो श्रॉड का हिंदी मीनिंग छिपाना हो जाता है। उसके बाद तीसरा अंतिम ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन वो है स्कैंट। तो स्कैंट का मतलब होता है अपर्याप्त, स्कैंट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो ये थे इसके तीन ऑप्शन और उसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली पॉइजनस इफेक्ट। तो हाईली पॉइजनस इफेक्ट का मतलब होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जहर का प्रभाव ज़्यादा होना। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्केप्टिकल, स्ले, भरुलेंट और टेंजिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरुलेंट, सी हो जाएगा। भरुलेंट का मतलब होता है जहरीला और हाईली पॉइजनस इफेक्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भरुलेंट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। तो इसके ऑप्शंस हैं स्ले। तो स्ले का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हत्या करना, स्ले का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है हत्या करना।
तो उसके बाद चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। तो दूसरा वर्ड है एस्केप्टिकल। तो एस्केप्टिकल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संदेही। एस्केप्टिकल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संदेही होता है। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है टेंजिबल। तो टेंजिबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जिसे छू कर महसूस किया जा सके। जिसे छू कर अगर आप महसूस कर लेते हो तो उसे टेंजिबल कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो लास्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है टू वॉक शोइंग इम्बैलेंस। तो टू वॉक शोइंग इम्बैलेंस मतलब जो जो टहलने में इम्बैलेंस हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सीजनड, रदलेस, स्टैगर और सॉलिडिटी। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सीजनड, रदलेस, सॉलिडिटी और स्टैगर। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्टैगर हो जाएगा। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो इसका सही आंसर स्टैगर हो जाएगा। स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना, मतलब इम्बैलेंस के साथ वॉक करना, तो उसको स्टैगर कहा जाता है, लड़खड़ाना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीन अदर ऑप्शंस के बारे में। तो पहला है सीजन। तो सीजन का मतलब होता है परिपक्व, परिपक्व यानी मैच्योर आप कह सकते हैं। तो सीजन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है परिपक्व। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन है रदलेस। तो रदलेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है क्रूर। रदलेस का हिंदी मीनिंग क्रूर होता है। उसके बाद हम तीसरे और लास्ट ऑप्शंस की का बात करते हैं। तो सॉलिडिटी, तो सॉलिडिटी का मतलब होता है समर्थन, यानी आप कह सकते हैं सपोर्ट। तो सॉलिडिटी का हिंदी मीनिंग समर्थन होता है, जिसका आप एक साइनोनिम ये भी कह सकते हैं, सपोर्ट। उसके बाद ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये थी आज की वीडियो के पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उनके ऑप्शंस में आए 15 अदर वर्ड, जिससे आपका सरनेम एंटोनिम का सेक्शन भी मौजूद होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथ ही साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो अब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।